मैं राकेश कुमार ठाकुर, प्रदेश सह प्रचार प्रमुख दक्षिण बिहार प्रांत पटना का निवासी हूँ। मेरा ये विशेष अभी ये वीडियो बनाने का विशेष उद्देश्य ये था कि दुनिया का छत जिनको कहा जाता है, विश्व का जो छत कहा जाता है, वो तिब्बत को कहा जाता है, जो 1959 तक स्वतंत्र राष्ट्र था, लेकिन उसके ऊपर जो विश्वविदित है धूर्त चाइना का नजर पड़ा और उसने कब्जा किया हुआ है, जिससे न केवल तिब्बतवासी बल्कि भारतवासी भी बहुत बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। तिब्बतवासियों का मान सम्मान सब वहाँ पे कम होता जा रहा है, जिसके लिए वो भारत की तरफ देख रहे हैं। चाइना का धूर्त काम, चाइना का गलत काम, चाइना का गलत तरीके से किसी के ऊपर में कब्जा करना, ये कोई नई बात नहीं है, इसको पूरा विश्व जानता है। जिसका कहीं ना कहीं परेशान, जिससे परेशान भारत देश भी है, पूरे विश्व की तरह भारत देश भी परेशान है, जिसमें कि भारत का जो अक्साई चाइना और बहुत बड़ा अन्य भूभाग जिस पर उसने अवैध कब्जा किया हुआ है। अभी मेरा भारत के लोगों से एक साधारण सा अपील, एक साधारण तरीका से ये समझाते हुए करना है कि ये समझिए कि अगर आपके घर में कोई अवैध तरीका से जबरदस्ती आ जाता हो तो आप क्या करेंगे? क्या उसको रहने देंगे या विरोध करेंगे? नेचुरल है, विरोध करेंगे। तो लोग कहते हैं कि सुधार जो है पहले अपने घर से करना चाहिए। तो अपने घर में जब आप सुधार करेंगे तो नेचुरली उसको जब बाहर निकालेंगे तो समाज में सुधार करना होगा, अपने देश में सुधार करना होगा, और जो पड़ोसी आपकी तरफ देख रहा है उसका भी ध्यान रखते हुए आपको उसमें भी सुधार करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग भारत तिब्बत सहयोग मंच, जिसकी स्थापना माननीय इंद्रेश जी ने की थी, अब उनके निर्देश में हम लोग हमेशा समय समय पर कुछ ना कुछ अपना प्रोग्राम, अपना उसके लिए एक विरोध प्रदर्शन का तरीका अपनाते रहते हैं, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। इसलिए पूरे भारत देश के नागरिकों से, पूरे विश्व समुदाय से आज ये अपील करना है कि किसी भी तरीके से